साल 7 जुलाई को लगाई है। कब लगाई है? 7 जुलाई पिछले साल। ये मिर्च जुलाई में लगाई गई, मिर्च अप्रैल में मार्च में अदर जाती है। अभी ये मिर्च खूब फल रही है, फूल रही है। इसमें हरे फल भी लगे हैं ये, और लाल फल भी लगे हैं। आप यहाँ से मिर्च तोड़ सकते हो, और इस मिर्च को आप एक महीना ऐसी बाहर फ्रिज में भी मत रखना, बाहर डलिया में रख देना। 100 मिर्च तोड़ लो और डलिया में रखना। भगवान कसम, अगर एक महीने में एक मिर्च भी सड़ जाए, एक भी मिर्च सड़ेगा नहीं, सूख जाएगा, सड़ेगा नहीं। इसमें डला क्या है? कुछ नहीं डला। हम तो यहाँ संजीवनी भी नहीं डालते, जीवामृत भी नहीं डालते। क्यों? ये जीवामृत के जीवाणु यहीं विचरण करते हैं, हमें डालने की भी ज़रूरत नहीं। तो ना तो मैं संजीवनी डालता हूँ ना जीवामृत। क्यों? क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी है, और आप देख सकते हैं मिर्च में हमारी कोई बीमारी नहीं है। अब रही बात ये बैंगन, ये बैंगन मैंने लगाया नहीं है। पिछले साल उस वाली क्यारी में बैंगन था। चलन जी ज़रा बैंगन दिखाओ। पिछले साल उस क्यारी में बैंगन था, बैंगन की फसल मैच्योर हो गई, मैंने उखाड़ दिया, ठीक है ना? बैंगन मैंने उखाड़ दिया और जड़ से फिर ये बैंगन फूट गए हैं। हमने बैंगन लगाया ही नहीं, ठीक है ना? तो जब हम कुदरती खेती में जाते हैं, जब हम प्राकृतिक खेती में जाते हैं, तो हमको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं ऑटोमेटिक। फिर आपको लगेगा बाप रे बाप, इतना कल्पना तो हमने की नहीं थी कि बैंगन की रेटूनिंग भी हो जाएगी। जैसे मिर्च की रेटूनिंग हो गई ना, निरंतर पिछले 7 जुलाई के बाद जब भी ये सितंबर में फलनी शुरू हुई थी, तब से फल रही है। इसकी निराई गुड़ाई भी नहीं हुई? कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं, कभी कभी घास जैसे बड़ा घास हो गया तो उसको मैंने हाथ से उखाड़ दिया, निराई गुड़ाई नहीं करता हूँ। ये कस्तूरी भिंडी है, ठीक है ना? अब वो अश्वगंधा लगा है और पीछे सर्पगंधा लगा है। अब आ जाओ, बंद करो सलन जी, अब आओ, आपको वो जीवन